दोस्तों नमस्ते। और आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। आज इसका फंडामेंटल क्लास है यानी कि आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज क्या है और बहुत ही बारीकियों से पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये हमेशा हमें याद रहेगा। हमारी बस एक गुजारिश है दोस्तों कि आप वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो देखिए दोस्तों, जब हमारी उम्र होती है और उस उम्र में हम लोग पैसे की पहचान करने लग जाते हैं तो हम हर काम के लिए घर में इंटरेस्ट मांगते हैं यानी कि अगर हम ये काम करेंगे, अगर हम वो काम करेंगे तो हमें इतना पैसा चाहिए, हमें एक रुपए चाहिए, हमें दो रुपए चाहिए। तो ये जो सबसे पहले हम किसी काम के लिए इंटरेस्ट लेते हैं यानी कि ब्याज लेते हैं तो वहीं से हमारा ये साधारण ब्याज स्टार्ट हो जाता है डेली लाइफ में। तो इसमें छोटे छोटे जो टर्म्स हैं दोस्तों उसे हम सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक टर्म आएगा मूलधन, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं मूलधन, और ये हो गया मिश्रधन जिसे अमाउंट कहते हैं, ये मिश्रधन है। ठीक है, एक होता है समय यानी कि टाइम, आपका कितना समय लिया गया है, और एक होता है रेट, कितने दर से इसे लिया गया है। बस इन टर्म को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। फिर सिंपल इंटरेस्ट को एसआई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसआई, और ब्याज को आई बोलते हैं। बस इन्हें ही हम इधर से उधर करेंगे यानी कि अगर इनमें पी का वैल्यू निकालना रहेगा तो इन सब का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ए का वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो इन सब का वैल्यू दिया रहेगा। फॉर्मूला कोई सा भी हो दुनिया का दोस्तों, उसमें एक आपको अगर निकालना रहेगा तो बाकी का वैल्यू दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं कि ब्याज लगाते हैं, इंटरेस्ट लगाते हैं। तो मान लीजिए पहला मूलधन यानी कि हमारा खुद का जो पैसा है मूलधन, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर मान लीजिए दो रुपए है, अब इसे एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, ले जाना है, तो हम बोलते हैं कि इसे अगर पहुंचाना होगा तो हम एक रुपया लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा यानी हमारा ब्याज। और दो रुपए और एक रुपए उस भाई को देना पड़ गया तो उसे कितना रुपया देना पड़ जाएगा, उस आदमी को तीन रुपया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं यानी कि अमाउंट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया अमाउंट। अब क्या होता है, क्वेश्चन में दर और समय वो आपको कंडीशन लगा देगा कि भाई इतने समय में पहुंचा देना तभी मैं तुझे एक रुपया दूंगा, या तो आज पहुंचा देना, या और दर से यानी कि वो आपको रेट निकालना रहेगा। तो ये मोटा मोटी दोस्तों इस टाइप से क्या रहेगा आपका, इस फॉर्मूला बेस रहेगा। और बस इन चीजों को हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो देखिए, सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस आई यानी कि इंटरेस्ट। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ए क्या है, पी क्या है और आई क्या है। ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए मूलधन प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज आपको पता होना चाहिए। जैसे ही अगर आपको दोस्तों पी के वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो ए में से आई को माइनस कर दीजिएगा, अगर आई का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो ए में से पी का वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो ये आपको याद हो जाएगा, बस याद करना नहीं, बस थोड़ा बेसिक ध्यान देना है। अब आता है दोस्तों एसआई यानी कि पूरा साधारण ब्याज निकालने का। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने आर गुने टी यानी समय और बटा में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब इसमें क्या, मैंने बोला दुनिया का कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, ठीक है, तो अगर आपसे पी का वैल्यू पूछेगा, आर का वैल्यू पूछेगा, टी का वैल्यू पूछेगा तो बाकी का वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड क्या है कि इन्हें आपको याद रखना है। तो जैसा कि अगर आपसे पूछ देगा दोस्तों पी का वैल्यू, ठीक है, बाकी का वैल्यू दिया रहेगा, तो एसआई गुने 100 कर देंगे और नीचे में आर गुने टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अगर हमें पूछेगा कि टी का वैल्यू निकालो तो हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एसआई गुने 100
बटा में क्या हो जाएगा, पी गुने आर। देखिए अगर इन सब का वैल्यू दिया रहेगा और आपको टी क्या करना रहेगा, फाइंड करना रहेगा। उसी तरीके से इस बार अगर आर निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, एस आई गुने हंड्रेड बटा में क्या हो जाएगा, पी गुने टी। ठीक है, अगर अगर एसआई निकाल अगर आपको एसआई निकालना रहेगा तो इन सब का वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करना और इसके बेसिकों को जानना। यदि दोस्तों आपने वीडियो पूरा देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों।